जब हम कक्षा 5 में पढ़ते थे तो हमें यही बात आई कि अम्मा मर जाएंगे, पिताजी भी मर जाएंगे, अब कोई भी यहाँ टिकाऊ नहीं, सब मरने वाले हैं। अब पूर्व का ऐसा कुछ था तो हमको टिकने नहीं देना था, लगा कि हम किससे अपनापन करें, यार सब कोई नष्ट होने वाला, कभी भी कोई मर सकता है, कोई तो ऐसा होना चाहिए जिससे हम प्यार करें और वो सदैव हमारे पास रहे। तब एक रास्ता निकला कि एकमात्र भगवान के सिवा कोई ऐसा। 11 वर्ष में तो घर छोड़ दिए थे, भाग पड़े थे भगवान की तरफ। तो अगर ये बात आपको चुभ रही है कि कोई अपना नहीं, अपनों से वियोग ही होगा, तो ऐसे अपने हैं श्यामा श्याम, पकड़ के देख लो, कभी अनंत काल में भी वियोग नहीं होगा, क्योंकि वो अविनाशी है और तुम भी अविनाशी हो, तुम्हारा शरीर विनाशी है, तुम अविनाशी हो। अगर अविनाशी श्यामा श्याम को अपना मान लो, जो चाहो मान लो, वो तो बड़े कृपालु है, कोई उनको बहन मानता है, कोई बेटी मानता है, कोई स्वामिनी मानता है, प्रभु को कोई सखा मानता है, कोई पिता मानता है, कोई पति मानता है, कांता भाव, गोपीजन, प्रीतम, ये ऐसे कृपालु कि इनको जो चाहो मान लो, पर इनको मान लो। अगर इनको मान लो तो ये प्रश्न खत्म हो जाएगा कि अपनों के बिछुड़ने से, और यहाँ कोई अपना नहीं, सपना है सब, पता नहीं कब तक ये शरीर है, इसका कोई भरोसा नहीं। अभी आप गेट के बाहर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कोई भरोसा नहीं। अभी हम जो बोल रहे हैं, अगला शब्द तो बोल पाएंगे कि नहीं, इसका भी भरोसा नहीं। ढेर पानी का बुलबुला किस समय फूट जाए, इसका कोई भरोसा। अब क्या प्यार करें यहाँ, यहाँ तो अज्ञान की दशा में नहीं कहते कि हम जन्म जन्म का हमारा आपका संबंध है। किसका संबंध है जन्म जन्म का? बोले हमारा आपका संबंध है। ना तुम अपने को जानते हो ना उसको जानते हो, तो संबंधी कैसे हो गए? तुम शरीर को जानते हो, शरीर तो कुछ वर्षों वाला है, अभी मिट जाएगा, तो संबंध किसका रहा? बोले झूठा आदमी बोल रहा है। नहीं कहते लोग कि हमारा आपका तो जन्म जन्म का संबंध, जन्म जन्म का संबंध हमारा आपका नहीं है, हमारा आपका है, आपका ले। ये शरीर जो है ना, ये जन्म जन्म के संबंधी ले, पिछले जन्म में भी माता पिता पत्नी पुत्र परिवार रहा, कहा हमें याद है? अरे इसी जन्म में माता के गर्भ में 9 महीने रहे, कुछ पता है क्या हालचाल थे हमारे? लभी नहीं पता, तो फिर हम कैसे कहें कि कोई हमारा, कोई नहीं हो सकता। यही बात जब आ जाएगी तो एक सच्चे भजन करने वाले भक्त बन जाओगे, पर ये बात टिकाऊ नहीं है। जहां कोई गले में हाथ डाल के बोला आपसे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं या करती हूं, ऐसा भूल जाएगा, लगे कोई तो मिला अपना। फिर जब धोखा होगा काल के द्वारा, काल किसी को बख्शता नहीं, तब फिर तुम कहोगे कि हे भगवान कितने निर्दयी हो, कोई तो जीवन में मिला था, तुमने उसको भी लूट लिया। ऐसा ही होता है ना, यही सब अज्ञान का खेल है, माया का खेल है। सच्चे दोस्त श्री कृष्ण है, यारी करके देखो, ऐसा प्यार करने वाला दोस्त है जो अनादिकाल से अनंत काल तक तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी गलतियों पर भी वो कभी नजर नहीं करेगा। बहुत प्यारा दोस्त है श्री कृष्ण। फिर आगे बढ़ो भगवत मार्ग में, तभी ये बात समझ में आएगी भैया, नहीं आज जितना है सब बिछुड़ने वाला है, कुछ साथ नहीं। अरे हमारे शरीर को देखो, एक समय था हम अपने को बच्चा देखते थे, एक समय हुआ कि अब जवान बुढ़ापे का रंग आ रहा है, यही हमारा नहीं हो रहा। एक समय आएगा कि ये छूट दिया है, छूट जाएगा। जब ये नहीं हो रहा तो यार कौन अपना हो सकता है? सब शरीर यहाँ नष्ट होने वाले हैं। यही बात सुन करके जीव भगवान की शरण में जाता है, कोई अपना नहीं तो अपना हो, क्योंकि हम प्रेम के अंश हैं। प्रियालाल प्रेम स्वरूप है ना, उन तो हमें प्यार चाहिए, कोई तो प्यार करने वाला मिले, सबके हृदय में खोज है, कोई तो हमें ऐसा साथी मिले जिसकी हम गोद में सर रखकर निश्चिंत होकर सो जाएं। व्यास भरोसे कुंवर के सुवत पसार, लाडली जो के चरणों के भरोसे हो जाओ, निश्चिंत हो जाओगे। राधा राधा जप करो, है लाडली जो से अपनापन करो। यद्यपि ये प्रगट में दिखाई नहीं देती, पर यही है, दूसरा कोई है नहीं। हर समय अपने जनों को लाडली जो देखती रहती है, और लाडली जो के चरणों में, जो लाल जो अपने हाथ में सुदर्शन चक्र रखते हैं ना, लाडली जो के चरण चिन्हों में विराजमान है। अनंत शक्तियां लाडली जू के चरणों में अपने जनों की रक्षा करती रहती हैं। ये जितनी दुर्गा देवी चामुंडा भद्रकाली बड़ी बड़ी महाशक्तियां ना हमारी लाडली जू के एक अंश से हैं, अंश से हैं। अब सोचो ऐसी महामहिम महारानी वृंदावनेश्वरी लाडली जू जब हमारी है, अरे फूली फूली छाती घूमोगे, कोई परेशानी नहीं रहेगी। जाके बल गर्व भरे रसिक व्यास से न डरे, लोक वेद कर्म धर्म छाड़ी मुक्ति चारी, जिसके अभिमान में हर समय फूले रहते हैं हमारे माई श्यामा जी को राज। बस अब ये कि स्वीकृति हो जाए, समझ में आ जाए तो बात हो जाए, फिर ये मिट जाएगा कि हमने जिससे प्यार किया वो सब धोखा दे रहे हैं।